दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा के और आप जानना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करनी है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स की आप लोगों की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, सिंपली मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों की तैयारी नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो आप लोगों को सिंपल एक काम करना है कि पिछले 4 साल या 5 साल का पेपर आप लोगों को पढ़ के चले जाना है। और अगर आप लोग सिर्फ पास होना चाहते हैं, उतना भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप लोगों को 2 साल का पेपर जो है पढ़ करके ज़रूर जाना चाहिए सेमेस्टर परीक्षा में। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है और ऐसा होता भी है कि सेमेस्टर परीक्षाओं में पेपर जो है आपके रिपीट किए जाते हैं। तो जब आपका पेपर रिपीट किया जाएगा, पेपर रिपीट करने का मतलब है कि क्वेश्चन आप लोगों के ज़्यादा रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 5-10 नंबर के पूछ लिए जाते हैं और उससे पहले वाले भी से भी कुछ क्वेश्चन वहां पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है कि आप लोगों को सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी जब भी करनी है दोस्तों, तो ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर पेपर पर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने सारे आप लोगों के चैप्टर हैं, जैसे कि समांतर श्रेणी हो गया, गुणोत्तर श्रेणी हो गया, आपका त्रिकोणमिति का सेक्शन हो गया, जितने सारे चैप्टर हैं उतने सारे चैप्टर में मैं बता देना चाहता हूं आपको कि कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और वहां से आप लोगों के परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध वाला चैप्टर जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर देखना ये है कि हमारे जो भी चैप्टर है, जैसे कि या तो समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, चाहे कोई भी आप लोगों का चैप्टर हो, तो ये आपको कोशिश करना है कि उसमें से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पिक कर लें। यदि आप उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं तो आपके मार्क्स जो है ये 40 नंबर से ज्यादा निश्चित तौर पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे एक एक क्वेश्चन ही लिया हूं, लेकिन आपको बता दें परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल इस तरीके से रहता है कि क्वेश्चन जो है वही पूछे जाएंगे। जैसे कि एक प्रथम सिद्धांत की सहायता से अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो साइन एक्स का पूछा जाए, कॉस एक्स का पूछा जाए, कॉट एक्स का पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, लेकिन प्रथम सिद्धांत की सहायता से एक क्वेश्चन आप लोगों का 100% फिक्स रहता है। तो यहां से आप लोगों को ये चीजें उठा लेनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और यह ध्यान देना है कि मैक्सिमम चीजें कहां से पूछी जा रही हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आप लोग सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जब भी प्रैक्टिस करें तो उसमें देखें कि गलती कम से कम हो, और यही वही प्रश्न प्रैक्टिस करें जो पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग प्रथम सिद्धांत की सहायता से ये वाला जरूर आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। बाइनोमियल थ्योरम से मैं बता दूं तो स्वतंत्र पद ज्ञात करने के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र पद जो x से स्वतंत्र होता है उस पद को ज्ञात करने के लिए काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, तो वहाँ से वो चीज़ें आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सारणिकों का प्रयोग करके जब हम समीकरण को हल करते हैं तो ये भी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, या फिर आपको क्रैमर का नियम जो होता है, इस समीकरण को किस तरीके से हल किया जाता है क्रैमर के नियम से, तो क्रैमर का नियम भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। कहने का मतलब यह है कि क्रैमर का नियम फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रथम सिद्धांत की सहायता से अवकल गुणांक ज्ञात करना भी फिक्स क्वेश्चन है। स्पर्श रेखा का समीकरण जो आप लोग ज्ञात करते हैं ये भी आप लोगों का फिक्स रहता है। तो आप लोग को पैटर्न थोड़ा समझना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपकी समांतर श्रेणी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पर समझिए कि प्रत्येक जो मैंने तो एक एक एग्जाम्पल दिया है, अगर आपकी वीडियो की और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आप हमसे कमेंट कर दीजिएगा, तो सारे चैप्टर के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को फायदा क्या होने वाला है, आपका फायदा यही होने वाला है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 40+ मार्क्स जो है आसानी के साथ लेते आएंगे, क्योंकि पॉलिटेक्निक में दोस्तों वही पूछा जाता है जो कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दोहराए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी, यदि इस तरीके से तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके 40+ नंबर आ जाएंगे।